y is equal to c plus s, सही है? Yes. इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के। तो हमने अभी कंजम्पशन का बिहेवियर तो पढ़ लिया, ये लोग कंज्यूम क्यों करते हैं, सही है? ये फैक्टर्स याद रखने, एमसीक्यूज में इन्हीं में से सवाल आते हैं। अब आ जाते हैं कि सेविंग क्या होती है और सेविंग किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो सेविंग इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी के लिए सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि जितनी सेविंग होगी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये इशू होता है कि लोग जो है ना वो अपनी सेविंग को इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ लोग जो है ना वो गोल्ड वगैरह रखते हैं घर के अंदर, खवातीन ज़्यादातर, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, लाखों रुपए का गोल्ड घर में तो रखा हुआ होता है, लेकिन वो इकोनॉमिक चैनल्स के जरिए कंपनीज के पास या बैंक के पास नहीं जा रहा होता। तो आजकल बैंकों ने ये करना शुरू किया है कि आप अपना गोल्ड रखवाएं और गोल्ड रखवाकर हमें हमसे लोन ले लें। जब ऐसा होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में जो है ना वो एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, सही है जी? जी। अब सेविंग क्या होती है, सेविंग कैसे डिटरमिन होती है? इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम में से जो अमाउंट कंज्यूम हो जाए और जो बाकी बच जाए रेजिडुअल अमाउंट, वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन। अब कंजम्पशन कब, जो सेविंग जो होगी वो कब बढ़ेगी? क्या सेविंग इनकम पे डिपेंड करती? यस। एज इनकम इंक्रीजेस बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग आल्सो इंक्रीजेस, सही है? क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आइडिया जो हमने पढ़ा था वो क्या कहता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आइडिया ही कहता है कि अगर एक शख्स की इनकम में 100 का इजाफा हुआ तो वो 100 से कंज्यूम नहीं करता, वो अपनी कंजम्पशन क्या करता है? कम रेट से करता है। तो आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी होती है इसी हिसाब से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है, यानी कि चेंज इन सेविंग विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। सही जी। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा रेट ऑफ सेविंग क्या है। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे सेविंग के, अच्छा ये तो मैंने स्टार्ट कर दिया ना, पहला फैक्टर तो मैंने तुम्हें बता दिया। पहला फैक्टर क्या है? इनकम। इसका मतलब इकोनॉमी में अगर इनकम लेवल बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो उसका अफेक्ट क्या होगा, रिजल्टिंग अफेक्ट क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा। यस। कंजम्पशन बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम और आएगी और लोग कंज्यूम करेंगे और लोग सेव करेंगे। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना सेविंग का, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो है इंटरेस्ट रेट। अगर लोगों को आपको इनकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेव करें तो आपको क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो क्या होगा? सेविंग कल्चर क्रिएट होगा और सेविंग बढ़ जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट ज्यादा करती है। एक फैक्टर है सर, आपने क्या लिखा है? हाई रेट। हाई रेट अट्रैक्ट सेविंग्स। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से भी सेविंग पे इफेक्ट पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये समझो कॉन्सेप्ट, एंड रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है विद इन्फ्लेशन,
और रियल रेट होता है विदाउट इन्फ्लेशन। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इकोनॉमी में 10%, इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इकोनॉमी के अंदर 2%। इसका मतलब यह है कि अगर तुम बैंक में डिपॉजिट करवाते हो तो तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10%। लेकिन साथ साथ महंगाई 2% से बढ़ गई तो तुम्हें रियल बेनिफिट कितना मिला? 8%। रियल रेट होगा 10 - 2, 8%। इसका मतलब एक इंडिविजुअल रियल रेट में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, सही? सो फॉर एग्जाम्पल इफ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस, इफ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस क्या होगा? सेविंग पे क्या फर्क पड़ेगा? कम सेव करेंगे, सेविंग कम हो जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, उसके साथ आपका बार दफा क्या होता है कि लोग जो है ना वो जबरदस्ती सेविंग करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग क्या होती है? तुमने कभी पेंशन स्कीम के बारे में सुना? जी, पेंशन स्कीम के बारे में जी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है ना, जब वो किसी बंदे को जॉब पे रखता है तो वो एक पेंशन स्कीम स्टार्ट करता है और उसमें एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट करता है कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट कर लेता है। और वो उठाकर एक फंड में जमा करवा देते हैं और एम्प्लॉय को ये बताया जाता है कि ये फंड में जितना भी अमाउंट होगा ना टोटल मिलाकर, ये फ्यूचर में आपको रिटर्न मिल जाएगा, और ये अमाउंट उठाकर सेव कर दिया जाता है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये मैंडेटरी हुआ पेंशन प्लान, तो सेविंग कल्चर क्रिएट हो जाएगा। आपकी इनकम कुछ भी हो, आपको एक अमाउंट सेव तो करना है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल जो है ना इनकम में से पहले सेविंग निकालेगा और बाद में उल्टा चलेगा, बाद में जितना अमाउंट बचेगा वो कंज्यूम करेगा, सही? अब सेविंग इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि जितनी भी सेविंग होती है इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इंजेक्शन होती है ना, इंजेक्शन जितना ज्यादा होगा हमारी वेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? वेल्थ हमारी बढ़ जाएगी। सही है जी। अच्छा जी, अब जब हम ये कहते हैं कि यार हम सेव करेंगे तो हम इन्वेस्ट भी करेंगे, जरूरी है कि बंदा सेव करे तो इन्वेस्ट भी करे? No. लेकिन जर्नली क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो सेविंग करते हैं ना। सेविंग किस फॉर्म में करते हैं? सेविंग कहाँ होती है? बैंक डिपॉजिट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? बैंक डिपॉजिट्स के अंदर, बैंक में डिपॉजिट्स कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं। तो ये पैसा कहाँ चला जाता है? गवर्नमेंट के पास चला जाता है। कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं। तो तीनों फॉर्म जो है उससे इकोनॉमी के अंदर पैसा आता है, कैपिटल मार्केट के अंदर। तो ये बैंकों के पास पैसा आएगा तो बैंक क्या करेगा? आगे लोन दे देगा। गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपेंडिचर में लगा देगी। शेयर्स की फॉर्म में पैसा आएगा तो कंपनी क्या करेगी? मोर इन्वेस्टमेंट। सही,
इसका मतलब इकोनॉमी में अल्टीमेटली उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। लेकिन क्या हर कंपनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के हिसाब से सेविंग करती है और इन्वेस्टमेंट करती है? कम या ज्यादा होती है ना इन्वेस्टमेंट, कभी कंपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, कभी कम इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। तो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है, जब भी कंपनी, हेलो हेलो कहाँ गए भाई, हेलो हेलो आवाज आ रही है? कट कट के आ रही थी। अच्छा अब सही नहीं, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जी अब आ रही है। मैं ये कह रहा था कि कंपनी जब इन्वेस्ट करती है या जो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर देगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा अवेलेबल है, बैंक उसे लोन देने के लिए तैयार है, वो कोई फैक्टर्स भी देखेगा, कुछ ग्राउंड्स देखेगा अपने? डेफिनेटली सर, फैक्टर्स लाजमन देखेगा। अब इट डिपेंड्स ऑन कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना वो कौन कर रहा है। गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही होती है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, अगर हमें अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को इन फैक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन फैक्टर जो होता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। अब फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो सकती है? हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। व्हाई? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न जो भी हासिल होगा वो वापस देने में चला जाएगा, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी जी। और जब हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, जब हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी तो अल्टीमेटली हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, जो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ी है, वो लो होगी जी। और जो प्रोजेक्ट हम लगाएंगे वो प्रोजेक्ट विल नॉट बी वायबल। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखकर बिजनेसमैन क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर ये कंपेयर करेगा, वो ये कंपेयर करेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जहां वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वहां से उसको कितना रिटर्न मिलेगा। इफ रिटर्न इज हाई तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, तीसरा फैक्टर होगा फ्यूचर स्टेट ऑफ द बिजनेस। या बिजनेस कॉन्फिडेंस, एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। अगर आपको ये पता है कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है तो कंपनीज क्या करेंगी, नई नई मशीनरी खरीदेंगी, ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। उन्हें लगता है कि जी अपॉर्चुनिटी ज्यादा आने वाली है तो ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद के रखेंगे। सही है जी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट की। अब फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स रेट हाई कर दे तो इससे क्या होगा,
it will discourage investment. इसी तरह गवर्नमेंट अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी हाई कर दे तो उससे क्या होगा, लोग डिस्करेज करेंगे इन्वेस्टमेंट. तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट होगी या इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. और समटाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है तो हर चीज जो है वो क्या करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कंपनीज क्या करती हैं, इन्वेस्ट. सही जी.